फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर मास्क। यस, ये जो हेयर मास्क आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आपको 100% डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नॉर्मली आपको ऐसे थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल हर किसी को होता है, वो नॉर्मल बात है, लेकिन जो ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल जो होता है वो हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। आपको आपके हेयर में रफनेस का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, हेयर को स्मूथ करेगा, हेयर में शाइन लाएगा। और ये जो हेयर मास्क है 100% वर्क करता है, बहुत अच्छे तरीके से आपके हेयर में जो भी डैंड्रफ है वो डैंड्रफ को खत्म कर देगा। डैंड्रफ से आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, ये सब सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो हेयर मास्क मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा काम करता है। और आपको अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप इसको मस्ट जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ये हेयर मास्क और इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स इस हेयर मास्क के लिए मैंने जो लिया है वो है कर्ड। तो मैंने अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है, आपका जैसा हेयर है उसके अकॉर्डिंग आप कर्ड ले ले। उसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है लेमन। कर्ड आपके हेयर में जो भी डैंड्रफ है उस डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा, आपके हेयर को सिल्क कर देगा, स्मूथ कर देगा और आपके हेयर में शाइन लाएगा। इसमें मैंने लेमन भी ऐड कर दिया, लेमन भी आपके हेयर में जो भी डैंड्रफ है उसको ख़त्म कर देगा। इसके बाद यहाँ पर मैं एक विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर ले रही हूँ। आपका अगर हेयर लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके हेयर में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एग वाइट। एग वाइट बहुत हाई प्रोटीन होता है एग वाइट में, और इसके कारण आपका हेयर ग्रोथ जो है वो हेयर ग्रोथ को इनक्रीज कर देगा और आपके हेयर में शाइन भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इस इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, जिससे क्या होगा आप देखिएगा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। जैसे ही क्रीमी टेक्सचर आएगा वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए आपका हेयर मास्क रेडी हो गया। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा, जिससे क्या होगा आपका हेयर मास्क रेडी हो जाए अच्छे तरीके से। आप देखिए यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर अब धीरे धीरे आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का हेयर मास्क रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं ये, इसको आपको थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में लाना है, जिससे क्या होगा आपके हेयर में अच्छे तरीके से लग जाएगा। अदरवाइज क्रीमी टेक्सचर नहीं होने से क्या होगा आपके हेयर से कर्ड है इसमें, जो आपको हेयर में अच्छे तरीके से स्कैल्प में लगेगा नहीं, निकल जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा विस्क अच्छे से करिए, जिससे क्या होगा आपके हेयर में अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने कॉम लिया और मैं अपने हेयर को ओपन करूँगी। तो मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा रफनेस का प्रॉब्लम था, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल भी शेयर किया। उस हेयर ऑयल को आप अगर यूज़ करेंगे उससे भी आपके हेयर में जो रफनेस है वो दूर हो जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, अब मैं इसमें अपने हेयर में अप्लाई करूँगी इस मास्क को, और इसको इस मास्क को मैं अपने हेयर में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी और इसको 15-20 मिनट्स तक रखूँगी। जब धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा तो इसको शैम्पू करके वॉश करके निकाल दूँगी। यहाँ पे मैं अब बीच से पार्टीशन कर लूँगी और अपने हेयर में मास्क को अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैंने हेयर को पार्टीशन कर लिया और इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से अपने स्कैल्प से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। मैंने ब्रश की हेल्प से ऊपर ऊपर में अच्छे से लगा लिया। अब मैं हाथ की हेल्प से जो बचा हुआ है उसको अंदर अंदर अच्छे तरीके से मसाज करते हुए लगाऊंगी। इससे क्या होगा मेरे स्कैल्प में अच्छे तरीके से अंदर अंदर
अच्छे तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया, अब क्या करूंगी मैं, कोम की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से कोम कर लूंगी, जिससे क्या होगा अंदर अंदर अच्छे तरीके से जो मास्क है वो अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाएगा। तो मैं इसको कोम कर लूंगी यहाँ पे। तो हेयर मास्क अंदर तक अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो बस ये धीरे धीरे अब ड्राई होने लगा है, स्टिकीनेस आने लगा है धीरे धीरे। तो अब इसको मैं छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए, और फिर इसको शैम्पू करके फिर आपको मैं अपना हेयर दिखाऊंगी, हेयर में कितना अच्छा स्मूथनेस आ जाएगा, सिल्कीनेस आ जाएगा। और अब थोड़ा बहुत भी अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ का प्रॉब्लम पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको छोड़ दूंगी कुछ देर बाद, फिर शैम्पू कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू कर लिया, और शैम्पू करने के बाद आप मेरा हेयर देख ही सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से सिल्की हो चुका है, और बिल्कुल भी रफ नहीं से, और हेयर भी पूरा सॉफ्ट हो चुका है मेरा इस तरीके से, और हेयर भी और ड्राई हो गया, हल्का सा वेट है, अदरवाइज पूरा हेयर मेरा ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा जो सीरम यूज़ करती हूँ स्ट्रिक्स का, सीरम को हल्का सा अपने हेयर में अप्लाई कर लूँगी। तरीके से देखिए, तो रिजल्ट आपके सामने दिख ही रहा है आपको किस तरीके से मेरा हेयर सॉफ्ट हो चुका है, हेयर में बिल्कुल भी रफनेस नहीं है। और मुझे थोड़ा बहुत डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इसको अप्लाई करने के बाद मेरा स्कैल्प आप देख ही सकते हो, पर स्कैल्प मेरा क्लियर हो चुका है, डैंड्रफ भी इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अगर किसी को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।